सीएसएसपी में गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और नाउन्स का पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपने उनको थॉरली स्टडी किया होगा, आपने उनको समझने की कोशिश की होगी। अगर जिनको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर लें या हमें आगे ईमेल कर लें, हम और आपको डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। तो आगे इसको फॉरवर्ड हम देखते हैं, फर्दर इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक और रूल हमारे पास आता है जिसमें कॉमन नाउन जो हमारे पास होती है ना, एनिमल से रिलेटेड, रिप्रेजेंट द होल क्लास आर प्रोड्यूस्ड बाई आर्टिकल द। जो कॉमन नाउन हमारे पास आती है ना गाइस, उसका हम जो एक उसकी मतलब पूरे जब उसकी कहते ना क्लास को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके साथ हमेशा हम द लगाएंगे। सपोज एक जो हॉर्स हमारे पास आता है ना, उसके लिए हम कहेंगे वन हॉर्स, या सॉरी अ हॉर्स, ठीक है, ए हॉर्स। तो इसमें आप ये ना देखेंगे यार कि हॉर्स जो है इसमें आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, इसका आगे जाके आप आर्टिकल्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो ए हॉर्स हमारे पास क्या आएगा, वो एक ही हॉर्स के लिए, और जब उसका आप उसके साथ द लगाएंगे ना, तो द हॉर्स कंप्लीट एक प्लूरल फॉर्म में आपके पास आएगी। और ये जो है ये आपका पूरे रेस को, आपकी जो इसकी पूरी जो एक क्लास है इसको आपकी रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देखिए इसमें ए हॉर्स इज़ ए फेथफुल एनिमल, जो हॉर्स के बारे में बताया जा रहा है ना, वो फेथफुल एनिमल पूरे उसके जो रेस है, पूरे सॉरी उसकी जो क्लास है उसके बारे में बताई जा रही है। तो आप इसमें ए नहीं लिखेंगे, आप इसमें द लिखेंगे, द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है गाइस। उसके बाद हम देखेंगे द मेजोरिटी इज सिंगुलर एंड द मेजोरिटी ऑफ इज प्लूरल। जब आप द मेजोरिटी यूज करोगे ना, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करोगे, और जो द मेजोरिटी ऑफ जब यूज करोगे तो उसके साथ आप प्लूरल यूज करोगे। सपोज द मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेफर्स टू द रेडियो, ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल जो आप प्रेफर्स कर रहे हो ना, प्रेफर्स जो वर्ब यूज़ कर रहे हो, वो आप से वो आपने यहाँ पे प्लूरल यूज़ किया, सॉरी सिंगुलर यूज़ किया है। हालांकि द मेजोरिटी ऑफ जब आएगा तो आप उसके साथ प्रेफर यूज़ करोगे, मतलब आप इसको प्लूरल फॉर्म में लोगे। इसका अगला रूल देखते हैं, व्हेन टू नाउन जॉइन बाय विथ, जब दो नाउन आपस में जब कंजंक्शन करते हो आप, ठीक है गाइस, तो उसमें आप क्या, और उसमें आप जब विथ लाते, अलॉन्ग विथ लाते हो, टुगेदर विथ उसमें यूज़ करते हो, एज वेल एज जब यूज़ करते हो, बिसाइड्स जब यूज़ करते हो, एक्सेप्ट जब यूज़ करते हो, लाइक जब यूज़ करते हो, एंड ऑफ जब यूज़ करते हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग जो वर्ब होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। सपोज आपके पास एक एग्ज़ाम्पल आता है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर बिजी, ठीक है, तो उसमें आप देखते हो ना जो आर आपने लगाया है द टीचर, तो उसमें आप जो पहले वाला जो होगा ना, जो फर्स्ट नाउन, तो आप फर्स्ट नाउन के साथ ही आप वर्ब को यूज़ करोगे। ऊपर आप देखते हो ना, व्हेन टू नाउन जॉइन बट विथ अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ एज वेल एज बिसाइड्स एक्सेप्ट लाइक एंड ऑफ, वी यूज़ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। इसमें आप देख लें आपका फर्स्ट नाउन कौन सा है, टीचर है, टीचर आपके पास क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज़ बिजी, तो टीचर का आप लोगे, ठीक है, जो आप जो उसकी कंजंक्शन में जो आप कंबाइन कर रहे हो ना, तो उसमें आप अगर उनको आप एक साथ ले रहे हो, दोनों को एक साथ ले रहे हो, तो आप उसमें आप पहले को देखोगे, इसकी जगह आप ये आता द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट इज़ नहीं कहते बल्कि आर कहते, क्योंकि पहला वाला जो है वो प्लूरल है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद एक और आता है, इससे रिलेटेड आता है, व्हेन टू नाउन जॉइन बाय नदर नर आर नॉट ओनली बट आल्सो, तो इस तरह की चीज़ें जब आती है ना, ऊपर वाले में जब आप देखोगे तो दोनों को एक साथ मिला के वो देख रहा है, तो जब आप दोनों को एक साथ मिला रहे हो ना, तो आप उसमें पहले वाले वो नाउन को देखोगे, और जब उनमें से एक को जब लेते हो, या ये या वो, ठीक है, नाइदर नर, इस तरह की जब चीज़ें लोगे तो आप उसमें दूसरे वाले नाउन को देखोगे, पहले में आप टीचर को देख रहे थे, दूसरे में आप स्टूडेंट को देखोगे, नाइदर द टीचर नर द स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स आर बिजी कहोगे, इस बिजी नहीं करोगे क्योंकि हम दूसरा नाउन ले रहे हो। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। तो अगला देखते हैं, सम नाउन्स जॉइंड बाय एंड कन्वे द इंप्रेशन ऑफ सिंगल यूनिट एंड मस्ट बी ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर एंड। बाज नाउन आपके पास ऐसे होते हैं ना जो आपस में मिलके आपके साथ एक ही मानी में जो एक्सप्रेशन आप पेश करते हैं। सपोज टाइम एंड टाइड, ठीक है, ये आपका एक ही आता है। स्लो एंड स्टडी, ये आपके पास एक ही आता है। तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको हमेशा सिंगुलर मिलोगे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नाउन नहीं नन नहीं कहोगे, वेट्स कहोगे, क्योंकि टाइम एंड टाइड जो है वो एक ही चीज़ की एक्सप्रेशन में लाते हैं, इंप्रेशन दे रहा है। आप एंड को देख के नहीं कहोगे यार कि हम नहीं इसको प्लूरल लेना है, नहीं, जब वो एक एक्सप्रेशन इंप्रेशन जब एक आपको दे देना तो आपने उसको फिर सिंगुलर लेना है। उसके बाद सेकेंड लास्ट हमारे पास आता है टाइप, शॉर्ट एंड काइंड आर नॉट फॉलोड बाई आर्टिकल। जो टाइप होता है ना, टाइप जो आपके पास आता है, या आपके पास शॉर्ट आता है या काइंड आता है, किसी काइंड या किसी टाइप से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें, जब आप किसी शॉर्ट से रिलेटेड, ये सारी एक अकसाम से आते हैं ना, जो अकसाम से रिलेटेड नाउन आपके पास आएगी तो वो कभी भी आपने ऐसे फॉलो नहीं करना। ठीक है, वट काइंड ऑफ ए जॉब आर यू डूइंग देयर। तो आपने सिर्फ कहना है कि वट काइंड ऑफ जॉब आर यू डूइंग देयर। ठीक है, ए बिल्कुल नहीं लगाना है उसके फिर वर्ब के साथ। तो लास्ट में हम देखते हैं हमारे पास क्या है, वी शुड नॉट यूज सिंगुलर काउंट नाउन एलोन विदाउट ए द माई एक्सेट्रा। मतलब कोई भी एक सिंगुलर जो काउंट नाउन जो आपके जो उसको काउंट कर सकते हैं, तो आप उसको ए द या माइन के बगैर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आपने उसके साथ या ए लगाना होगा जो काउंटेबल है, क्योंकि आपको पता है ना जो काउंट करते हैं उसके साथ या एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। एक से ज़्यादा होगा तो दे लगाओगे, या एक होगा ए लगाओगे, या स्पेसिफिक होगी तो दे लगाओगे। द अनएम्प्लॉयमेंट मैनेजर, अनएम्प्लॉयड मैनेजर इज सर्चिंग फॉर न्यू जॉब, तो न्यू कंपनी, तो आप क्या कहोगे, द अनएम्प्लॉयड मैनेजर इज सर्चिंग अ न्यू जॉब, फॉर अ न्यू जॉब। ठीक है गाइस, तो गाइस ये आज का जो हमारा रूल्स का जो लेक्चर था यहाँ कंप्लीट करते हैं। इसके साथ जो हमारे नाउन से रिलेटेड जितने भी हमने मटेरियल थे वो हम पढ़ चुके हैं, और इससे रिलेटेड हमारे पास यही रूल्स हैं। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ, जो रूल्स हमने डिस्कस कर किए हैं वो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। इस तरह से तो बहुत से ज़्यादा रूल्स आएंगे, वो तकरीबन 20-30 रूल्स तक हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। आप यही रूल्स ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश कर लें, इनको याद करने की कोशिश कर लें, तो इससे जो आपके नाउन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस एरर आते हैं, एरर स्पॉटिंग, आप इससे नाउन से रिलेटेड आपका इसमें कम्प्लीट होगा। तो नाउन का लेक्चर हम यहाँ हमने कम्प्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में फर्दर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।